हेलो, आई एम जयराम। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय कोचिंग प्लस। इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इन दिस वीडियो अंग्रेजी बोलना सीखें, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 11। वी विल प्रैक्टिस 51 डेली यूज सेंटेंसेस। अंग्रेजी सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कृपया आने वाली और जो पीछे अपलोड की जा चुकी हैं सभी वीडियोस से दिए गए छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अवश्य कर लें। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन संबंधी रूल्स की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। हमारी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ट्रांसलेशन संबंधी अन्य वीडियोज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमेशा समय का पालन करो, ऑलवेज बी पंक्चुअल। ऑलवेज बी पंक्चुअल। हमेशा बड़ों की इज्जत करो, ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू एल्डर्स। धूप में नंगे सिर ना जाओ, डू नॉट गो बेयर हेडेड इन द सन। डू नॉट गो बेयर हेडेड इन द सन। हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। ऑलवेज डू योर ड्यूटी एंड लीव द रिजल्ट टू गॉड। Always do your duty and leave the result to God. प्रत्येक के प्रति नम्र बनो, be polite to everyone. Be polite to everyone. माफ करो और भूल जाओ, forgive and forget. Forgive and forget. कहना आसान है करना कठिन, it is easy to say than to do. It is easy to say than to do. फिक्र मत करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डू नॉट वरी एंड हैव फेथ इन गॉड। डू नॉट वरी एंड हैव फेथ इन गॉड। आपने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूं। वेल डन, आई एम सो हैप्पी। वेल डन, आई एम सो हैप्पी। खुले स्थान पर मत नहाओ, डू नॉट बाथ इन द ओपन। डू नॉट बाथ इन द ओपन। पढ़ते समय बातें मत करो, डू नॉट टॉक व्हाइल यू रीड। डू नॉट टॉक व्हाइल यू रीड। नंगे पांव मत घूमिए, डू नॉट गो बेयरफुटेड। डू नॉट गो बेयरफुटेड। कभी अवसर को ना खो, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, माई हैप्पीनेस हैज नो लिमिट। My happiness has no limit. ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, may you live long, may you live long. भाग्य से कौन लड़ सकता है, who can fight against fate, who can fight against fate. आपका प्यार ही मेरी प्रेरणा स्रोत है, your love is my inspiration, your love is my inspiration. और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग मोर प्लीज, नथिंग मोर प्लीज। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आई हैव फुल फेथ इन यू। आई हैव फुल फेथ इन यू। मुझे खेद है आपको बहुत कष्ट हुआ, आई एम सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू। आई एम सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू। नहीं नहीं मुझे प्रसन्नता हुई, नो नो इट इज माई प्लेजर। नो नो इट इज माई प्लेजर। ये बेकार का बहाना है, इट इज लैम एक्सक्यूज। इट इज लैम एक्सक्यूज। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से। व्हाट डू यू वांट टू से। मैंने जो कहना था कह दिया, आई हैव सेड व्हाट आई हैड टू डू से। आई हैव सेड व्हाट आई हैड टू से। मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी यू। आई डू नॉट वॉन्ट टू सी यू। तुम मुझसे पूछने वाले कौन होते हो, हु आर यू टू आस्क मी। हु आर यू टू आस्क मी। एक अफवाह है, इट इज ओनली रूमर। इट इज ओनली रूमर। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, आई डू नॉट बिलीव इट। आई डू नॉट बिलीव इट।
कृपया क्षमा कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी। तुम अपने काम में ध्यान दो, माइंड इन योर बिजनेस। बिना टिकट यात्रा मत करो, डू नॉट ट्रेवल विदाउट टिकट। परिश्रम सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। वह एक अच्छे स्वभाव का आदमी है, ही इज ए मैन ऑफ गुड नेचर। आप पहले क्यों नहीं गए, Why did you not go earlier? Not को यू के बाद लगा जाएगा, तो Why did you not go earlier? आप क्यों तकलीफ करते हैं, Why do you trouble yourself? आप कब से यहाँ हैं, Since when have you been here? आप उनसे कब मिलेंगे, When will you see him? ये सज्जन कौन है, Who is this gentleman? आप कहाँ मिलेंगे, Where will you meet? यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, Which is the best hotel here? क्या आप आज शाम को आओगे, Will you come this evening? आपको क्या चाहिए, What do you want? आपका घर कहाँ है, Where is your house? ए फॉर्म लीजिए और भर दीजिए, Take this form and fill it. इस कमरे का किराया कितना है, What is the rent of this room? जो जी चाहे मांग लीजिए, Ask for whatever you want. क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे, Will you give me some water? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, What can I do for you? मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ, Where can I meet you? आप सुबह कब उठते हैं, When do you get up in the morning? आप स्कूल कब जाते हैं, When do you go to school? थैंक यू वेरी मच।